आपको पता होना चाहिए कि मजलिस एक ऐसी ताकत है जिन्होंने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। आज आप जो सोच रहे हैं कि हमको कोचा धामन से टिकट मिलेगा, तो कोचा धामन में आप जो है आपको क्या हराया था, मजलिस का सिपाही हराया था ना, तो उस समय कितना वोट से हारे थे। वो दर्द आपको अभी तक ठंडाया नहीं है लगता है, वो दर्द पे अभी तक मरहम आपके नहीं लगा है। तो आप ये उलूल जुलूल का बयान अख्तरुल ईमान साहब के नाम पर आप कह रहे थे, किराए का घर ये वो क्या क्या बोल रहे थे, खुल के बोलिए ना, अरे मर्दों वाली बात कीजिए ना, रहमत देखिए ना, खुल के आपसे बात कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम पूर्व विधायक मुजाहिद आलम साहब, मास्टर साहब, आप हमें बहुत ही सुलझे हुए इंसान लग रहे थे। आपको मैं जब जब सुना तो मुझे लगा कि आप अकलमंद लोग हो, लेकिन जब कहता है ना कोई कि जब हराम की कमाई घर आती है और हराम की कमाई से जब खून बनता है तो इंसान उलूल जुलूल हरकतें करना शुरू कर देता है। जब मैंने आपके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि जो किशनगंज ठाकुरगंज होके जितनी भी ट्रकें गुजरती है और वो ट्रक वाले जो आपसे परेशान रहते हैं, इनकी मुझे पूरी जानकारी मिली, तब मुझे एहसास हुआ कि आप ऐसा बोल सकते हैं। आपने मजलिस का झंडा थामने के लिए आपने जो 5 लोगों के एडमिशन का शर्त रखा है, खैर ये शर्त बहुत छोटी है, आप मुझे 5 ऐसे लड़कों का नाम दे दीजिए और उनको भेज दीजिए मेरे निवास पर, मैं उनका दाखिला करा दूंगा इंशाअल्लाह ताला, मैं करवा दूंगा। लेकिन एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ कि आपने हैदराबाद के विकास पर जो सवाल खड़ा किया, आपने कहा कि हैदराबाद में विकास नहीं हुआ है, तो आप तो किशनगंज में न जन्मे हैं और किशनगंज में आप पैदा हुए थे और यहीं पोसे पाले गए और यहीं से आपने MLA बना, आप मास्टर बने, लेकिन आप बता दीजिए कि किशनगंज में जो ये 75 सालों से 70 सालों से जो ये सरकार कांग्रेस की है या जो कांग्रेस गठबंधन की है या भाजपा गठबंधन की है, इन तमाम लोगों ने जो विकास किया, क्या किशनगंज में एकदम चमचमाती सड़कें हैं, मेडिकल कॉलेज है, AMU का जो मुद्दा है, जो AMU अभी रुका हुआ है, इसको कौन चालू करेगा? ये ओवैसी साहब ने AMU का नींव रखा था, आवाज तो ओवैसी साहब उठा रहे हैं। दूसरी बात मैं और कहूँगा, जो खाड़ी पुल नहीं बन रहा था, ओवैसी साहब के जब दस्ते मुबारक किशनगंज की जमीन पर पड़ा तो ओवैसी साहब के नाम पर नेता प्रतिपक्ष जो पहले थे तेजस्वी यादव जी, अब नेता सदन के साथ में रहते हैं और आपके नेता नीतीश कुमार के सहयोगी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 200 करोड़ का ऐलान किया। आपने एक बातें और कही कि हैदराबाद में जो 5 इनकाउंटर हुए थे उस पर ओवैसी साहब ने सवाल नहीं किया, तो आप शायद ओवैसी साहब को नहीं सुनते हैं। आपने NRC पर जब आपने बयान दिया तो आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार की पार्टी उस समय भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी हुआ करता था और NRC जब बिहार में चल रहा था तो नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे और उस सरकार में आप भी शामिल थे, तो आपने नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को इस्तीफा मुंह पर क्यों नहीं मारा? आप ईमानदार बनते हैं और आप कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हितैषी हूं सीमांचल का, तो आप उस दिन क्यों नहीं इस्तीफा उनके मुंह पर मारकर यह साबित किया कि मैं NRC CCA जो बिल आ रहा है इनके खिलाफ हूं? नीतीश कुमार की पार्टी ने तो उसका समर्थन किया था, नीतीश कुमार की पार्टी ने 370 का समर्थन किया था, तो उस समय एकमात्र अफसरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही तो झंडा बुलंद कर रहे थे। और आपका सवाल है कि हम धर्म और भावनाओं को हम भड़काते हैं, तो आप केस कीजिए ना भाई, अगर ऐसी बात आपको कहीं लग रहा है कि हमारे लोग अगर भावनाओं को भड़का रहे हैं, तो भारत में कानून सबके लिए बराबर है। आप सरकार में हैं, आप मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, आप उप मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, आपको अगर डायरेक्ट ये कहिए कि आपको मजलिस में शामिल होना है तो ठीक है, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपको मजलिस में शामिल करा दूंगा। उलूल जुलूल बयान खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाला बात काहे करते हैं मुजाहिद साहब? आपको पता होना चाहिए कि मजलिस एक ऐसी ताकत है जिन्होंने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज आप जो सोच रहे हैं कि हमको कोचा धामन से टिकट मिलेगा, तो कोचा धामन में आप जो है आपको क्या हराया था, मजलिस का सिपाही हराया था ना, तो उस समय कितना वोट से हारे थे। वो दर्द आपको अभी तक ठंडाया नहीं है लगता है, वो दर्द पे अभी तक मरहम आपके नहीं लगा है।
तो आप ये उलूल जुलूल का बयान अख्तरुल ईमान साहब के नाम पर आप कह रहे थे, किराए का घर ये वो क्या क्या बोल रहे थे, खुल के बोलिए ना, अरे मर्दों वाली बात कीजिए ना, रहमत देखिए ना, खुल के आपसे बात कर रहा है। तो आप इस कदर जो है आप बुखला रहे हैं, आपको तो पता है कि न लोकसभा में टिकट मिलेगा न विधानसभा में टिकट मिलेगा। अरे भैया कयादत की बात कीजिए, आप मुसलमानों के दुश्मन कब से हो गए, आप अकलियतों के दुश्मन कब से हो गए, आप उर्दू के दुश्मन कब से हो गए, आप अख्तरुल ईमान का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप ओवैसी साहब का विरोध थोड़ी नहीं कर रहे हैं, आप सीमांचल के मुसलमान दलित मजलूमों का विरोध कर रहे हैं। और अख्तरुल ईमान साहब का विरोध एक अख्तरुल ईमान साहब का विरोध नहीं कहलाएगा, ओवैसी साहब का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीमांचल के उन तमाम अकलियत अमन पसंद लोगों का विरोध कर रहे हैं जो ओवैसी साहब को अपना रहबर मान चुके हैं, अपना नेता मान चुके हैं। तो मुजाहिद साहब आप तो बहुत समझदार हैं, मास्टर हैं, आपके हर सवाल का जवाब मैं देना मुनासिब नहीं समझता हूं, लेकिन फिर भी इतना कहूंगा कि कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। याद रखिए ऐसा ना हो कि दुश्मनी में दरवाजा बंद कर लीजिए और कल आपको पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी समर्थन जुटाना मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए मुजाहिद साहब आपको मैं चेतावनी नहीं, आपको समझा रहा हूँ, अरे बड़े भाई हैं आप, आपको मैं कह रहा हूँ, एक बार गलती हुई है, एक बार अल्लाह भी माफ़ करता है, मैं रहमत अली आपको माफ़ किया।